ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ ए आपको दिया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अप टू 10 है, देन इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल्स. सिंबल दिया बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स टू. हर एक जो ब्लैंक आपको दिया था उसमें आपको इंसर्ट करना था. तो सबसे पहले बताइए पहले में क्या है. फोर बिलोंग्स एंड डज नॉट है. चलो ऑप्शन बता दो कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, फोर डज नॉट बिलोंग्स टू हमारे, नहीं सॉरी, फोर बिलोंग करता है, ठीक है, -4 डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके, एंड दिस इज 12 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, वेरी गुड. सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म इज, आपको एक सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपके. ऑप्शन सी सेकंड इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9. बेटा ए ही आपका करेक्ट आंसर है. क्यों, आपने बोला 9, 8, 27 में डिवाइजर क्या होता है हमारे पास में. डिवाइजर मतलब जो उसकी टेबल में आ रहा है आपके पास में, जो उसको फैक्टर है, मतलब जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है. तो ए में आपका ऑप्शन है 1, 3, 9. अब वही 9 के फैक्टर्स क्या क्या है. 9 के फैक्टर्स है 1, 3 और 9, तो यही तो आएगा. 1, 3, 8 है, 8 आपका 9 का जो है वो फैक्टर नहीं है आपके पास में. अगेन सी में आए तो 9, 8, 27 आपके पास, 8 फैक्टर नहीं और 27 मल्टीपल है. डिवाइजर का मतलब है फैक्टर, फैक्टर को देखना है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. हाँ बेटा बोलो. मेरे पास भी फोन है, आप वहां पे बैठ के पूछ सकता था कि हम दोनों देख सकते हो फोन. अपना अपना निकाल लो, लाइए. हो गया. थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स सच दैट 4x+9 इज लेस देन इक्वल्स टू 15 रोस्टर फॉर्म. इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कौन सा इसका करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ये बताना है. सी, 4x+9 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, तो ये होगा आपका 4x इज लेस देन 50 -9 इज 41. 41 ना, देन डिवाइड, मतलब एक्स इज लेस देन क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो ठीक है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, लिस्ट द ऑल द एलिमेंट्स, आपको सभी एलिमेंट्स लिखने हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एंड एन इज बिटवीन 1 एंड 3. ये आपको समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं, इसको मैं अभी आपको समझा देती हूँ. देखो आपके पास में क्या है, आपको दिया हुआ है कि भाई एक्स की जो वैल्यू है, मतलब एक्स हमारे पास में जो एक एक्सप्रेशन है आपके पास में, वो एक्सप्रेशन है आपके पास में एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर फॉर्म में. और इसने कहा एन की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 या लेस देन इक्वल्स टू 1. सो फॉर दैट रीजन मुझे बताइए एन की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है यहाँ पे. 1, 2 और 3, इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है हमारे पास में. 1, 2, 3, ठीक है, तीन वैल्यू हो सकती है. अब पुट करते हैं, अगर मैं इनको 1 लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2, 1/2 आ जाएगा आपके पास. मैंने अगर आपका एन को लिया इसमें 2, सेकेंड वैल्यू ली 2, तो 2 हो जाएगा ये आपके पास में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1, 2 अपॉन 5. ऐसे अगर मैं इनको 3 लूंगी, 3 लेके ले, खुद बताओ क्या आएगा आपके पास में, फटाफट बताओ. थ्री अपॉन टेन आएगा आपके पास में, तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है. डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका. समझ में आ रही है बात, कि आपको स्टैंडर्ड नोटेशन दिए, जैसे एपी में नहीं होता था, हम टेंथ में करते थे एपी में होता था, दैट यू हैव अ जनरल एक्सप्रेशन दैट ऑफ एन एपी इज 2n² + 5, फाइंड द एपी. क्या करते थे, फर्स्ट टर्म के लिए इनको 1 पुट करेंगे, सेकंड के लिए इनको 2 पुट करेंगे. तो सेम वे आपको दे दिया कि जो एलिमेंट है उसको आप इस नोटेशन में लिख सकते हैं. किस नोटेशन में, एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर. किस नोटेशन में, एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर. तो कहता है कि भाई तब हमें बता दो कि क्या होगी.
समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, द सेट ए 14, 21, 28, 35, 42, so on up to 98. इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा ये बताना है. बी ठीक है, 7 के मल्टीपल्स हैं आपके पास में सारे के सारे, और कहाँ तक के आपके पास में, 14 तक के हमारे पास में. ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ सेट इज डिनोटेड एज ए इक्वल्स टू 5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, कितने एलिमेंट्स हैं. बेटा वन एलिमेंट मैंने आपको तब भी बताया था, फाइव एलिमेंट कब बनता है, फाइव एलिमेंट बनता है जब आप उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, राइट. जब आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तब वो बनता है हमारे पास में फाइव. पर जब हमने सेट को ही नोटेशन दे दिया है फाइव, जब हमने सेट को ही जो है वो नोटेशन दे दिया फाइव, इसका मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सो जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्लैंक है, 7 है. अ सेट बी इक्वल्स टू 5 इज कॉल्ड, इसे किस तरह का सेट कहेंगे. सिंगलेटन सेट, क्योंकि एक सिंपल एलिमेंट है हमारे पास, एक सिंगल एलिमेंट है इसलिए वो कहलाएगा आपके पास में सिंगलेटन सेट. एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, जैसे अभी 6th वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था ए इक्वल्स टू 5, वो एम्प्टी सेट है हमारे पास. इनफाइनाइट सेट हमारे पास जहाँ पे कोई एंडिंग ना हो, डॉट 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 चलता रहे आपके पास में, नैन ऑफ दीज. ओके, 8, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर इज एक्स. सेट हियर, हियर एक्स रेफर्स टू, एक्स क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि हमारे पास मंथ कितने हैं भाई, टोटल है हमारे पास में 12. तो एम्प्टी तो नहीं होगा क्योंकि मंथ तो होते हैं भाई, फाइनाइट है क्योंकि 12 है. इनफाइनाइट होता अगर आपके पास में डिफाइंड नहीं होते भाई कितने हैं, और सिंगलेटन एक, एक महीने नहीं होते भाई, 12 महीने. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100 एंड बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. कार्डिनैलिटी का मतलब कितने एलिमेंट्स आ रहे दोनों में आपके पास में, वो आ रहे हैं आपके पास में. तो x is square of a natural number and x is less than 100. तो x में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे भाई, a में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 42, sorry 49, 42 नहीं, 64, 81, और 100 तो आएगा नहीं, less than 100 बोला है तो बस इतने ही होंगे आपके पास. फिर कहता है बी सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का, तो भाई इवन नेचुरल नंबर्स तो लिख नहीं सकते यहाँ पे हम, बहुत सारे हैं. तो अब आता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में आप कॉमन क्या है. तो भाई जो बड़ा वाला सेट है, बी वाला जो सेट है, उसमें से ना देख के हम ए में देख लेते हैं इवन नंबर्स कौन कौन से हैं. तो इवन क्या है यहाँ पे आपके पास, 4, 16, 36, 64, चार नंबर से, तो कार्डिनैलिटी हो गई आपके पास में 4. क्लियर. 10th बताइए, कहता है द सेट 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी इज वाई सेट. हियर वाई रेफर्स टू इनफाइनाइट सेट हमारे पास में, क्योंकि वो चलता जा रहा है तो वाई किसको रेफर कर रहा है भाई, वाई इनफाइनाइट सेट को रेफर कर रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि सेकंड बगल में ही कॉलम है ना, नीचे ना जाना पड़े. 16 क्वेश्चन है आपके पास में. कहता है इफ ए इक्वल्स टू 246, b equals to 135 and c 0,7 है, then the universal set will be, इसका universal set क्या होगा आपके पास में ये बताना है आपको. बताइए, वेरी गुड. यूनिवर्सल मतलब तीनों जिसमें आ रहे हैं, तो a union b union c मतलब सारे एलिमेंट्स, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a कंटेनिंग 50 एलिमेंट्स इज, आपने क्या बोला बेटा, हाँ 2 to the power 50. फॉर्मूला बताया था आपके पास में, इट इज 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज ए इक्वल्स टू p 1,2 वेयर p डिनोट्स पावर सेट, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है आपको ये बताना है.
ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1,2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि उसमें सेट के ब्रैकेट्स हैं हमारे पास पूरे. नेक्स्ट, इफ ए इक्वल्स टू 1,3,5,7 देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? वेरी गुड, क्या फॉर्मूला है? बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू. वेरी गुड, बहुत अच्छे. क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स. आपको इक्विवेलेंट्स को पेयर करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है. सेट्स ए सी एंड बी डी. वेरी गुड, क्योंकि इक्वल नहीं बोला है, इक्विवेलेंट बोला है, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल देन ए एंड बी आर एक्स. कैसे होंगे? इक्वल होंगे आपके पास में, क्योंकि ए क्या आएगा, ए में भी आपके पास में आएगा ए एल ओ वाई, और लॉयल में भी यही आएगा आपके पास में, एल रिपीटेड है तो वो एक ही बार काउंट होएगा हमारे पास में, तो वो दोनों इक्वल सेट्स है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 13, इफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एन माइनस 7 एन माइनस 1 एन बिलोंग्स टू एन एंड वाई इक्वल्स टू दिस देन एक्स इक्वल्स टू वाई. कैसे? मैं भी बोलूंगी वाई. पहले तो मुझे बताओ एक्स सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं. 8 कैसे आ रहा है बेटा? ए एन बिलोंग्स टू एन, एन नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से होता है आपके पास में. तो पहले आप एन को 1 पुट करेंगे तो 8 टू द पावर 1 मतलब 8 माइनस 7 इंटू 1 मतलब माइनस 7 एंड माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस 8 तो 0 आएगा. पहला एलिमेंट 0 आ रहा है कि नहीं? दूसरा एलिमेंट आप 8 की पावर 2 ले लें तो 8 टू द पावर 2 64 माइनस 7 टू द 14 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 64 माइनस 15 और ये क्या आएगा? 49. तो नेक्स्ट टर्म आ गई 49. नहीं समझे? नहीं समझे बेटा? अगेन वही चीज है बेटा, नोटेशन वाली. 8 एन माइनस 7 एन माइनस 1 है. कहता है n belongs to n, कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल है. तो n belongs to n है आपके पास में. नेचुरल नंबर n मतलब 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तक है. तो सबसे पहले पहला एलिमेंट निकालने के लिए मैंने n को 1 पुट किया तो 1 7 टू द पावर 1 माइनस 1 तो ये हो गया 8 माइनस 8 मतलब 0. तो पहला क्या आ गया? 0. दूसरा क्या आ गया? आप n को 2 पुट करो तो n को 2 पुट करते 8 टू द पावर 2 माइनस 7 into 2 माइनस 1 तो 64 माइनस 7 टू द 14 माइनस 1 मतलब 64 माइनस 15 49 आ जाएगा. ऐसे ही थर्ड एलिमेंट निकाल सकते हैं. फटाफट निकाल के बताओ थर्ड एलिमेंट, जल्दी से बताओ. थर्ड एलिमेंट निकाल के बताया बेटा. बेटा 171 कैसे आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट? 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 8 64
वही तो गड़बड़ कर दी है। फोर नाइनटी, तीन एलिमेंट निकाल लिया, अब इनफाइनाइट चलेगा, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, तो डॉट 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 कर देते हैं। नेक्स्ट सेट का एलिमेंट ऐसी, नेक्स्ट का बताओ, वाई के तीन एलिमेंट्स निकाल के बताओ फटाफट। तो वाई सेट हो गया आपके पास में 0, 49, 98 एंड सो ऑन। अब कहता है देन इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है आपके पास में, आपको ये बताना है आपके पास में। जीरो क्या, 49 भी कॉमन है, तो ऑप्शन डी तो कतई नहीं हो सकता कि भाई एक्स इंटरसेक्शन वाई इज फाई, ये तो गलत है। ऑप्शन सी एक्स इक्वल टू वाई, ये भी गलत है आपके पास में, क्योंकि इसमें 98 है हमारे पास वाई में, पर एक्स में 98 नहीं है आपके पास। अब आता है ए और बी, देखो ए और बी में से आपके पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको ये बताना है। तो मुझे बताओ कौन सा सेट बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई बड़ा है, वाई बड़ा है आपके पास में, इसका मतलब एक्स इज कंटेन्ड इन वाई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आई ना बात। चलिए बगल वाले कॉलम का 21 बताएंगे। ए 2, 4, 6, 8 है, बी 6, 8, 10, 12 है, ए यूनियन बी क्या होगा। यस, बी पार्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12। नेक्स्ट ए 1, 3, 9 है, बी 2, 4, 5, 6 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है बाबू। 22, अभी 21 बताया था। इसका भी डी है हमारे पास। नेक्स्ट 23, ए आपके पास ए ई आई ओ यू है, बी आपके पास ए आई यू है, तो ए यूनियन बी क्या होगा ये बताना आपको। ए हो जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कोई नहीं करते हैं। कहता है ए आपके पास में एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, और बी आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास में ये बताना है हमारे पास में। मतलब इसमें है क्या, इसमें बताने कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सर्कल की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है ये, सर्कल की इक्वेशन होती है आपके पास में। और आपके पास में जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर 144 है, ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो भाई इसमें कितने कंटेन, इंटरसेक्शन बोल रहा है, मतलब इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे आपको ये बताना है आपके पास में। अब देखो कॉमन पॉइंट्स कितने आएंगे, कॉमन पॉइंट्स को देखो आप इसके डायग्राम से, डायग्राम से देखो, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो कितने मैक्स कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं, चार आ क्या। ये ए वाला पार्ट तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25, ये तो आपने 10th में भी किया हुआ है कि सर्कल की इक्वेशन होती है आपके पास में इस फॉर्म में, एक्स माइनस ए का होल, कोई नहीं बता देती हूँ, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ए और बी क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, जब सेंटर आपका ओरिजिन है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो सर्कल की इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास में, इलिप्स की होती है आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये होती है आपके पास में।
ठीक है, तो इसको जो है वो हम एलसीएम लेके दिखा देते हैं, जब ए और बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है आपके पास। इसके बारे में डिटेल में करेंगे अभी 11th में, एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन जो डिटेल में करेगा इनके बारे में। तो ऐसा है, सारे चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वो दूसरे दूसरे चैप्टर के मिक्स होके भी आते हैं। फोर पॉइंट्स ने बेटा, इलिप्स ऐसे जाएगी तो 1 2 3 4 हर क्वाड्रेंट में एक पॉइंट पे उसको कट करेगी। अच्छा बीच में आ गया क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्वेश्चन नंबर 14। क्या आंसर है? वेरी गुड, वाह, ऐसे तुक्का मारा है। नहीं, टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, दो सेट से फाइनाइट कह रहा है, एम एलिमेंट्स और एन एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कराया था, देन द सेकंड सेट। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, तो भी नंबर ऑफ सबसेट्स और फर्स्ट क्या होंगे, 2 टू द पावर m, दूसरे में कितने हो जाएंगे? हाँ, माइनस करके इक्वल्स टू हो जाएगा 112, और फिर सॉल्व कर दोगे वैल्यू आएगी। नहीं बेटा, 4 7 होगा। मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम यही क्वेश्चन कराया था, बिकॉज एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के टाइम पे भी सॉल्व करवाए। इक्वेशन बन जाएगी 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 112। अब आप इसको कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। करना चाहेंगे एक बार? अभी करिए, अभी नहीं होगा सिंप्लीफाई, मैं बताती हूँ ये लिखा हुआ है। हाँ वो मेरी फॉल्ट है। हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, m की वैल्यू, क्योंकि m पहले लिखा हुआ है ना, m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4। नेक्स्ट, राइट द x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -5 x इज ग्रेटर देन -5 लेस देन इक्वल्स टू 6 एज इंटरवल, द लेंथ ऑफ इंटरवल इज, इंटरवल की लेंथ कितनी है? इलेवन आ गए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 25, लेट एक्स इक्वल्स टू राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और वाई में गीता, डेविड और अशोक सेट ऑफ स्टूडेंट है क्लास 11 के, वो आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, जो फुटबॉल टीम है, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, ये बता रहा है। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो बेटा। सी गीता, हाँ। नेक्स्ट 26, ए आपको दिया है, बी दिया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन बी, इंटरसेक्शन बी इज बी। 32, एट हंड्रेड, ठीक है, वेरी गुड। सीधा फॉर्मूला लगाना था बेटा, ए यूनियन बी वन, नहीं 32, हाँ सीधा फॉर्मूला लगाना था आपके पास में, ए यूनियन बी वाला। क्या होता है यूनियन बी बताइए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे आ जाता आपके पास में 5000। क्या निकालते इससे? हाँ तो पहले यूनियन यूनियन निकालना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सल निकालना पड़ेगा, है ना? इन अ टाउन विद पॉपुलेशन, हाँ सॉरी 5000 यूनिवर्सल दे रखा है आपको, यूनिवर्सल ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो यूनिवर्सल हो गया आपके पास में 5000। तो 5000 में से जो ए यूनियन बी आएगा, और ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, एगिटर्स कितने हैं,
5700 आ रहा है बेटा। हाँ हाँ कराया तो था, पर 2500 प्लस 3200 माइनस 1500 कितना आ रहा है? 4200। अच्छा इससे पहले मुझे कुछ 5200 सुना, मैंने कहा 5200 कैसे आ रहा है? ठीक है, देन आप यूनिवर्सल में से 5000 में से 4200 माइनस करोगे, 800 आ जाएगा। मेरे सुनने में गलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। कितने स्टूडेंट्स है ग्रुप में ये बताना है। कितने स्टूडेंट्स है? 125। अगेन क्या निकाला? यूनियन निकाल दिया, ए यूनियन बी निकाल दिया, 75 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बीच में छूटा है। 27 40, वेरी गुड भाई को नहीं सुन रहा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 100। पहले पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लो, 3 के मल्टीपल 3 6 9 सो ऑन निकालोगे कितने आएंगे? 31 नहीं 33, 33 मल्टीपल्स। लास्ट देख लो ना, लास्ट क्या होगा? 100 है ना, तो उसे लास्ट क्या होगा? 99। 99 कब आएगा? 33 पे ही आएगा ना, तो 33 हो गए। और फिर कहता है कि प्राइम नंबर लेस देन 20, भाई नंबर जो लेस देन 20 और प्राइम, ओ सॉरी, ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 28। आर द गिवन सेट्स डिसजॉइंट। आपको बताना है क्या ये सेट्स डिसजॉइंट है। ए आपके पास में एक्स बॉयज इन योर स्कूल, गर्ल्स इन योर स्कूल, ऑब्वियसली हमारे पास में डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी द टू सेट सच दैट। आपको ए दिया हुआ है 0.16, बी दिया है 0.14, ए यूनियन बी दिया हुआ है। कहता है इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? डायरेक्ट फॉर्म में पुट करना है। क्या आंसर आया? 0.05। बेटा दोबारा करें एक बार इस क्वेश्चन को। हाँ हाँ 0.05 आ रहा है, एक बार और चेक करो। 0.30 चेक करो। ठीक है 0.05, जस्ट क्रॉस चेकिंग यार। अच्छा ये क्वेश्चन इस तरफ कॉलम में सेकंड में रहता है, कौन सा है? 34 स्पोर्ट्स इवेंट वाला। हाँ सिक्सटी फाइव, वेरी गुड, आपका भी यही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 30। X and Y are two sets such that X has 40 elements, X union Y has 60 and X intersection Y has 10. Huh? 30. ठीक है, very good. Question number 30 elements. Next 31, in a community 50 people speak French, 20 speak Spanish, 10 speak both. So at least one of the language mein wo weak hai, ye batana hai. Very good. Kaise nikala?
चलिए बहुत अच्छा, अब आ जाइए assertion पे। पहला assertion, question number 35। assertion कहता है the collection of all natural number less than 100 is a set। क्या ये set है? हाँ भाई ये हमारे पास set है, हमारे पास में। फिर आता है reason, कह रहा है आपके पास में कि set of well defined collection of distinct objects। क्या ये सही है? सही है, क्योंकि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, तो दोनों के दोनों रीजन। और assertion 2 है, अब हमें बताना है क्या रीजन करेक्टली हमारे assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, कर भी रहा है हमारे पास में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। assertion है the set D X such that X is a prime number which is a divisor of 60 in the roster form। कहते हैं roster form में हम इसको ये लिख सकते हैं। तो पहले तो बताओ क्या assertion सही है? assertion गलत है हमारे पास, roster form में ये चीज नहीं आएगी हमारे पास में, तो सीधी सी बात है। फिर कहते हैं set E the set of all letters in the trigonometry, trigonometry का ये सही है आपके पास। तो ऑप्शन बी assertion फॉल्स, रीजन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए क्या assertion ट्रू है? सेट दिया है 149 सेट कहते हैं, हाँ क्योंकि n स्क्वायर है तो ऊपर वाले में सारे स्क्वायर टर्म्स ही आपके पास में, तो ये सही है ट्रू। तो कहते हैं रीजन इन द रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, तो ये भी सही है हमारे पास। अब आता है क्या रीजन assertion को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है, तो आई थिंक दिस विल बी ऑप्शन सी। हाँ बोथ आर ट्रू बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। assertion true है भाई हमारे पास, a subset है b का, ये दिख रहा है, साथ ही b में एक extra element है। फिर कहता है reason if every element of x is also an element of y then x is a subset of y। ठीक है, ये भी सही है हमारे पास, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट assertion है इंटरवल आपको दिया है x such that x belongs to r minus 4 to 6। रीजन वेरी गुड, तो रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। तो ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है आपके पास में, assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द पावर सेट ऑफ सेट दिस, ये इसका पावर सेट है, क्या ये सही है? डायग्राम मैम, तो आपके किसी बी को बड़ा शो करना चाहिए और मैम ए को छोटा शो करना चाहिए,
तो मतलब assertion false है और reason ठीक है. थर्टी एट assertion true है हमारे पास में. ठीक है वेरी गुड. रीजन टू है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे पास में. इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑप्शन बी. नेक्स्ट 39 वेरी गुड. ए ट्रू है भाई assertion आपके पास में ट्रू है. ठीक है रीजन सेट बी कह रहा है x square equals to 4 x is odd is not an empty set. वेरी गुड क्योंकि वो एक एम्प्टी सेट नहीं नहीं इज नॉट एन एम्प्टी सेट कि वो एम्प्टी सेट नहीं है तो एम्प्टी सेट तो नहीं है ना हमारे पास में. नहीं एक्स इज ऑड ऑड है. अच्छा तो एम्प्टी सेट है. ठीक है फॉल्स है. ओके 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 ठीक है नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 40. वेरी गुड. दोनों हमारे पास ट्रू तो हैं पर हमारा रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 41 वो था ट्रू हमारे पास में एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ठीक है ऑप्शन बी मतलब. नेक्स्ट 42 ठीक है तो assertion क्या है true है reason false है. 48 तो जल्दी बोलना ही ना दिए क्यों बोल रही है वो बोल देते थोड़ा जल्दी बोला कर. 49 वेरी गुड. नाउ कम्स योर एमसीक्यू केस स्टडी. हाँ नहीं बेटा थोड़ा सा मेरा हेडेक है. केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं हमें. आई एम नॉट वेल यार मेरे को दो दिन से बुखार है फिर भी मैं क्लासेस ले रही हूँ बिकॉज इट्स मैंडेटरी. मेरे 3-4 सेमिनार्स हैं अभी तो मुझे करनी पड़ेगी और चश्मे के कारण तो आँख जलती है तो और ज़्यादा होता है. इतना तुझे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए. ए इंटरसेक्शन बी बताना है. बताओ क्या चीज. वाई ए इंटरसेक्शन बी. हाँ ठीक है वेरी गुड. ए इंटरसेक्शन सी ठीक है वेरी गुड. ऑप्शन ए 3-5-7 ऑप्शन ए ठीक है वेरी गुड. फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टू सेट्स ए एंड सी बी इंटरसेक्टिंग बताइए.
हाँ जी वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो बोलना बेटा, बोले कि नहीं तो कैसे चलेगा। देख ए दिया है 1 3 5 7 9, सी दिया है 2 3 5 7 11 आपके पास में, और ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टू सेट्स ए एंड सी टू बी इंटरसेक्टिंग, कि ए और सी को अगर हम देखें कि इंटरसेक्टिंग है तो इनके लिए कौन सा सही है। पहले कहता है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, तो अब देखो ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो 3 5 7 तीन एलिमेंट्स कॉमन है आपके पास में, तो वही 5 तो कतई नहीं होगा आपके पास में, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है कि वो हमारे पास 5 नहीं है। नेक्स्ट पावर सेट ऑफ बी कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब कार्डिनलिटी बतानी है कितनी होगी उसका, 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा आपके पास में, दैट विल बी 16। नेक्स्ट 51, तो बेटा वो तो लेवल बढ़ेगा ना। चलिए एक बार 51 देखिए, 51 में क्या दिया आपको, स्कूल ने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी आपके पास में, जिसमें आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, स्कूल मैनेजमेंट है जिसमें तीन टाइप्स के आपके पास मिल्क कॉफी और टी बना रहा है भाई आपके पास में, तो ऑर्गेनाइजर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है आपके पास में 10 स्टूडेंट्स का, तीन ड्रिंक्स का एमसीटी मतलब मिल्क कॉफी टी के लिए, 20 स्टूडेंट्स है जिन्होंने मिल्क लिया और कॉफी लिया, 30 जिन्होंने कॉफी और टी लिया है, 25 है जिन्होंने मिल्क और टी लिया है, और 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मिल्क, 5 ऐसे जिन्होंने सिर्फ कॉफी, और 8 ऐसे जिन्होंने सिर्फ टी लिया। सो नंबर ऑफ ड्रिंक्स हु डिड नॉट सॉरी स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ड्रिंक, भाई कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक भी ड्रिंक नहीं ली है, तो क्या करेंगे? U माइनस करेंगे ना हमारे पास में, तो इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब क्या करना है सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, तो सबका ऐड आएगा 80, तो 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20, 80 आया ना, तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन ए 20। फिर कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर मिल्क इज, कितने बंदे हैं जिन्होंने मिल्क को प्रेफर किया है आपके पास में, बताओ। 47 जिस जिस में मिल्क का इंटरसेक्शन है उसको लेंगे और प्लस कर देंगे हमारे पास में, ठीक है, तो दिस विल बी 47। नेक्स्ट द नंबर ऑफ, नहीं नहीं बोलो, लिखने का तरीका पूछ रहे हो, अरे बोल भाई, मन में कोई आए डाउट उसको बोल के जाओ, घर ना लेके जाओ। तीनों का डाटा तीनों दिया है इसने, कितने हैं बंदे, ये और 85 में से आ, आ, आ। कॉफी ओनली है ना, कॉफी के ये 5 हो गए, इसको ऐसे बनाओ ना, देखो ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से किया करो। ऐसे इसके वेन डायग्राम से बनाया करो और फिर इन चीजों को आप प्लस करेंगे, जैसे मिल्क मिल्क था, कॉफी था, कॉफी था, तो कॉफी ओनली और इन दोनों का आप जो है वो प्लस करेंगे हमारे पास में, ठीक है, क्या आंसर आएगा? 45,
47 आ रहा है, कितना है कॉफी में? 30, 30 और 50। कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई? अच्छा, मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, 47 आया है। ओके नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट 45, ऐसी टी 53। अब आता है आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी। मिल्क कॉफी तो ले रहे हैं पर टी नहीं ले रहे, वो कितने बच्चे हैं, बालक हैं, ये बताने हैं। ठीक है, 10 आएगा आपका, आया बेटा। ओके नेक्स्ट, इन अ लाइब्रेरी 25 स्टूडेंट्स, भाई एक लाइब्रेरी जिसमें 25 बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा देखा गया कि भाई 15 बच्चे आपके पास मैथ्स पढ़ रहे हैं, 12 बच्चे आपके पास में, 12 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स वाइल 11 है हमारे पास जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 5 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं भाई मैथ्स और केमिस्ट्री, मतलब एम इंटरसेक्शन सी है हमारे पास में, और 9 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हैं, इसका मतलब हमारे पास में पी इंटरसेक्शन एम है 9। फिर उसके बाद में 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री 4। कहते हैं 3 ऐसे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब तीनों का एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, 3 ऐसे। तो इस इंफॉर्मेशन पे आपको आंसर देने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग ओनली केमिस्ट्री, भाई कौन से हैं भाई जो बालक सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बताओ कैसे, बोलो बेटा जल्दी। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला वेन डायग्राम का तो सुन ही नहीं रहा था मेरे से। ऐसे ले लिया कर इसको ए बी सी डी एफ जी, ऐसे ले लो इसको। ठीक है, अब कहता है हमारे पास में, देखो इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कह रहा है आपके पास में कि भाई कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, 25 हैं जो रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भाई इसको ले रही हूँ फिजिक्स, इसको ले रही हूँ केमिस्ट्री, तो 25 ऐसे हैं, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 25। रीड केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स बुक्स, नहीं नहीं 25 तो पूरे आ गए हमारे पास में, टोटल 25। इट वाज फाउंड दैट 15 स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स, तो देखा गया भाई 15 बच्चे, मतलब सी 15 है। कि ये मैथ्स पढ़ रहे हैं हमारे पास में, 12 बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 12 बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11 हैं जो फिर कहते हैं 5 स्टूडेंट्स रीड बोथ,
मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री रहा, मतलब ये पांच है जो मैथ्स और केमिस्ट्री डिलीवर। फिर उसके बाद में कहते हैं 9 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स एंड मैथ्स, 9 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स कर रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स थ्री स्टूडेंट्स रीड ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मान लो तुम सिर्फ ओनली मैथ्स बताना है तो इसका नाम दे दिया, मान लो आपने सी, तो आप कहेंगे ओनली सी, और फिर आंसर लिख दो। क्या चीज हाँ हाँ फाइव आएगा, कहने का मतलब ये है फाइव आंसर आएगा। वो बात तो तीन चार बार कह दिया माइनस करना पड़ेगा, मैंने वो मैं समझ गई। मैं तो तुझे लिखने का तरीका बता रही हूँ कि जब तुझे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे वेन डायग्राम बना दे और इसको ए बी सी डी नाम दे दो, और फिर किसको प्लस माइनस कर रहे हो, मान लो ए और बी को प्लस कर रहे हो, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर ए की वैल्यू लिख दो बी की वैल्यू ऐड करो, तो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग ओनली मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स 4 है। ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग ओनली वन सब्जेक्ट इज 11, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट कम से कम एक, क्या? हाँ 23। नेक्स्ट The number of students who reading one of the subject, मतलब एक भी नहीं पढ़ रहे भाई, कितने हैं? Two, क्योंकि union निकालोगे that will be 23 ना, तो 25 minus 23. Next, university में भाई 100 बच्चे हैं, 15, 15 है आपके पास में, ठीक है। बताओ क्या आएगा इसका फर्स्ट पार्ट का? थ्री कैसे? वेरी गुड, तो 3। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर मैथमेटिक्स 62, 65 में से माइनस कर देंगे 3, ऊपर वाला जो हमारे पास में तीनों सब्जेक्ट ना, तो आ जाएगा आपके पास में कितना 62। नेक्स्ट हम मेरे को लगता है इसमें बड़ी वाली गलती कर दी, जो मैंने पहले करी गलत आता है बेटा, हम पूछ लिया कर। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, क्या किया, कैसे आया 39? जाओ फिर बनाना है बेटा हर क्वेश्चन के साथ में डायग्राम, पीछे खिचड़ी में नहीं बनाना है।
12 है पहला हमारे पास में, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स है कितने दिए, 12 दिए ना, तो 12 प्लस 10 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास में, इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे 7, नहीं क्या कर रहे हो, एमसीक्यू हमेशा नहीं आएंगे ना, आंसर को आना चाहिए। नेक्स्ट द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बट नॉट फिजिक्स, वेरी गुड। अगेन क्या करेंगे, 10 माइनस जो तीनों का है 3, 7। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, भाई तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं, तो ए यूनियन बी 99 आ रहा है, मतलब 100 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 100 में से माइनस करके। नेक्स्ट एक और है, स्कूल ऑर्गेनाइज द कल्चरल इवेंट, 100 स्टूडेंट्स है, एक इवेंट है भाई जिसमें 15 स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ड्रामा और सिंगिंग का 25 है हमारे पास जो डांस ड्रामा में, 20 है आपके पास में जो ड्रामा सिंगिंग में, और 30 ऐसे हैं जो डांस और सिंगिंग, 8 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांस होगी, बच्चे 8 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डांस में किया, 5 ऐसे जिन्होंने ड्रामा में किया, और 12 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगिंग में किया, तो आपको बताना है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांस कितने हैं भाई जिन्होंने डांस में किया। बताओ मैम, पहले डांस ओनली लेंगे, फिर मैम डांस एंड सिंगिंग, और डांस एंड ड्रामा, तो 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 48 मैम, बाकी सबका भी ऐसे ऐसे करेगा, तो बता तो आंसर, बाकी सबका भी ऐसे ऐसे करेगा आंसर तो बताएगा। 35 और 47 35, 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 5, ठीक है 35, 47 होगा, इसमें आ जाएगा 12, 15, 15, 30, 30 और 5, 35, 47, हाँ ठीक है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर्टिस्ट पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड ड्रामा बट नॉट सिंगिंग, वेरी गुड, और लास्ट 70 आ गया, यूएनबी तो 100 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं जिनको काम दिया है, जिसमें से 10 एम्प्लॉय आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे, 15 आपके पास में फर्स्ट फ्लोर पे, 10 आपके पास सेकेंड, 30 सेकेंड, ओके ठीक है, बताइए। वेरी गुड, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है 50, नेक्स्ट
ठीक है 50। नेक्स्ट वेरी गुड। नेक्स्ट ठीक है, तो आपका आंसर कितना है इसका? 95 आ रहा है टोटल। ठीक है आंसर आ गया 5। सो अब मुझे बताओ कितने सही कितने गलत, तुम्हारा स्कोर क्या रहा?